हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक और ऐसा ही करंट का मुद्दा लेके आया हूँ, जहाँ पे अपने देश के राष्ट्रपति, जिनको हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं, वो कानपुर अपने गांव गए थे। अब उन्होंने वहाँ पे कुछ ऐसी बात बोल दी जो पूरी सोशल मीडिया पे इस तरह से छाई गई, काफ़ी मीम्स बनाए गए, काफ़ी कुछ उसके बारे में हुआ। आइए जानते हैं आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा और क्या लॉजिक था उसके पीछे, जिस पे पूरे देश में इतनी बहस छिड़ी हुई है। देखिए, उन्होंने कहा, मुझे 5 लाख रुपए प्रति महीना तनख्वाह मिलती है, जिसमें से 3.25 लाख रुपए टैक्स चला जाता है। हमसे ज़्यादा बचत तो एक टीचर की होती है। तो यहाँ पर दो चीज़ें ऐसी हुई जो सबके एकदम दिमाग से बात घूमने लगी कि पहली चीज़, सबको पता है कि राष्ट्रपति की जो पेमेंट है, जो सैलरी है, वो 5 लाख रुपीज़ है। दूसरी चीज़, उन्होंने जो बोला कि 2.75 लाख्स, 2,75,000 रुपये टैक्स देते हैं, अगर अप्रोक्स लगाओगे तो नियर अबाउट 60% के आसपास बैठेगा। तो हालांकि हमारे इनकम टैक्स में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है जो 30% से ऊपर का टैक्स दिखा रहा हो। दूसरी चीज़ कि हमसे ज़्यादा पेमेंट तो एक टीचर की है। इन दो चीज़ों पे पूरे एकदम हमारे जो प्रेसिडेंट कोविंद साहब हैं वो एकदम घिर गए। तो देखते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, प्रेसिडेंट जो कोविंद थे उन्होंने क्या कहा। द प्रेसिडेंट इज़ द हाइएस्ट पेड एम्प्लॉय ऑफ द कंट्री एंड ही ऑल्सो पेज टैक्सेस, बट समवन विल से डैट यू विल गेट 5 लाख रुपीज, एवरी वन टॉक्स अबाउट डैट, अबाउट आउट ऑफ डैट एवरी मंथ 2-3 लाख्स कम्स आउट, सो हाउ मच इज लेफ्ट, अवर ऑफिसर्स एंड अदर्स गेट मोर देन वाट इज लेफ्ट, द टीचर्स हु आर सिटिंग एट द इवेंट दे ऑल गेट मोर। अब ये जो लाइन उन्होंने बोली, पूरी लाइन, इस लाइन पे काफ़ी बवाल मच गया। देखिए, उन्होंने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। अगर आप समझें तो उन्होंने बोला है कि मुझे 5 लाख मिलते हैं, उसमें से लगभग 2.75 लाख रुपए निकल जाते हैं, तो लगभग 2.25 लाख रुपए के आसपास बचते हैं उनके पास। अवर ऑफिसर्स एंड, जो उन्होंने स्पेशल जिक्र किया टीचर्स का, तो अगर हम टीचर्स की बात करें तो जो प्रिंसिपल्स हैं, चांसलर्स हैं, उनकी पेमेंट अप्रोक्स देखोगे तो आप 1-2 लाख के आसपास हो जाता है। यानी अप्रोक्स लगाओगे तो उनका कहने का मतलब ये था मजाक में, इसका कोई और सेंस नहीं था। उन्होंने बोला कि टीचर्स की पेमेंट मुझसे ज़्यादा हो सकती है, जो मेरे पास बच रहा है, मोर देन वाट इज लेफ्ट। ठीक है, ये पूरी पेमेंट की बात नहीं चल रही है, वाट इज लेफ्ट की बात चल रही है। अब देखिए, अब जो सबसे बड़ा इस पे बवाल मचा वो क्या मचा। दिस स्टेटमेंट हैज़ स्पार्क्ड एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन ऑन द सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स गिवन टू द इंडियाज़ हेड ऑफ स्टेट, इज़ द प्रेजेंट सैलरी टैक्सेबल। सबसे पहला पॉइंट जो था कि जो राष्ट्रपति हैं हमारे, अभी तक क्या चल रहा था सभी के दिमाग में कि राष्ट्रपति की जो पेमेंट होती है वो टैक्स फ्री होती है। बट यहाँ से एक नया मुद्दा उठा डिस्कशन के लिए कि क्या राष्ट्रपति की पेमेंट जो है, सैलरी जो है, वो टैक्सेबल है। इफ़ यस देन हाउ मच टैक्स शुड ही बी पेइंग, अगर है तो कितना टैक्स राष्ट्रपति पे करते हैं। तो डज ही रिसीव एनी टैक्स बेनिफिट्स, क्या वो अपने जो पोर्टफोलियो है, जो पद पे रहते हैं, उस पद के लिए क्या उनको टैक्स बेनिफिट कुछ मिलता है। तो ये चीज़ ऐसे क्वेश्चंस थे जो सबके दिमाग में उठे। तो देखिए, इसके लिए हम दो चीज़ पे जाएंगे। सबसे पहला है एक द प्रेसिडेंट इमोल्यूमेंट्स एंड पेंशन एक्ट 1951। तो जो 1951 का जो एक्ट है प्रेसिडेंट के लिए, जिसमें उनके वेतन और भत्ते के बारे में जानकारी दी गई है, लेज डाउन प्रोविजंस फॉर द सैलरी इमोल्यूमेंट्स एंड पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी कितनी सैलरी मिलेगी उनको, कितना भत्ता मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसमें उसके बारे में जानकारी दी गई है। देखिए, उसमें है सैलरी ₹5 लाख पर मंथ, यानी जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको एक महीने की सैलरी 5 लाख रुपये मिलती है, और ये 2017 से मिल रही है, उससे पहले 1.5 लाख्स थी, तो 1.5 से 5 लाख कर दी गई है। फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़, नंबर सेकंड पॉइंट क्या है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़, फ्री एकोमोडेशन, उनको जो फुल फर्निश्ड होम मिलता है
वो उनके लिए फ्री होता है, फ्री ट्रीटमेंट फुल लाइफ, फ्री ऑफिशियल स्टेट कार ऑफ द प्रेसिडेंट इज कस्टम बिल्ट हैवीली आर्मर्ड मर्सिडीज बैंड्स, यानी उनके पास एक ऑफिशियल कार होती है। इन एडिशन टू दीज फैसिलिटीज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड्स 22.5 million rupees एनुअली ऑन द एक्सपेंसिस लाइक प्रेजेंट हाउसिंग स्टाफ फूड एंड होस्टिंग ऑफ गेस्ट्स, यानी 22.5 million जो रुपीज हैं वो एनुअली एक साल में एक प्रेजिडेंट के ऊपर खर्च किए जाते हैं। अब पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या क्या है, रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, देखिए रिटायरमेंट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सिक्योर चीज़ है पेंशन। तो ही विल गेट एट करंट रेट 1.5 लाख ए मंथ एज पेंशन। देखिए पेंशन का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, पहले पेंशन का कि आपको जितनी पेमेंट मिल रही है सैलरी जो है उसका 50% आपको क्या मिलेगा, आपको 50% मिलेगा उसका एज ए पेंशन, ठीक है। ही इज द स्पाउस ऑफ प्रेसिडेंट विल गेट ए सेक्रेटरियल असिस्टेंस ऑफ ₹30,000 पर मंथ, राष्ट्रपति के जो स्पाउस होंगे तो उनके लिए भी 30,000 सेक्रेटरियल असिस्टेंस मिलता है। ए फर्निश्ड रेंट फ्री बंगलो, कोई रेंट नहीं है उस बंगले का, 2 free landline एंड ए मोबाइल फ़ोन, 5 personal staff इंक्लूडिंग ए प्राइवेट सेक्रेटरी, स्टाफ एक्सपेंसेस ऑफ ₹60,000 पर ईयर, ट्रेवल फ्री विद ए कंपनी कंपेनियन बाई ट्रेन, किसी भी ट्रेन में किसी भी एयर में या ट्रेन में आप कोई सी भी इकोनॉमी क्लास या किसी भी क्लास में आप सफ़र कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बट मेन पॉइंट इज दैट इज दी सैलरीज टैक्सेबल और नोट, हमने ये सारे पढ़ लिए कि जो 1951 में इमोलमेंट्स एक्ट 1951 था उसमें ये कहीं नहीं है कि जो सैलरी है हमारे प्रेसिडेंट की वो टैक्स फ्री है या नहीं है, उसमें केवल जिक्र दिया गया है कि भाई ये सैलरी है, ये इमोलमेंट्स हैं और ये पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, बट इसमें कहीं भी नहीं लिखा कि ये सैलरी जो है टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है। अब आते हैं हम इनकम टैक्स एक्ट के तहत, कि दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो राष्ट्रपति का वहाँ पे मिलेगा नहीं तो फिर इनकम टैक्स एक्ट में मिलेगा। तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1995 सेक्शन 14 एंड सेक्शन 10, ये दो मेन सेक्शंस हैं जिसमें किन किन चीज़ों को एग्जम्पशन दिया गया है टैक्स से, तो उसमें भी कहीं भी ढूंढने पर ये चीज़ नहीं लिखी कि राष्ट्रपति की जो पेमेंट है, जो सैलरी है वो टैक्स फ्री है। तो अब हमें इससे क्या समझ में आया, तो नाइदर द इनकम टैक्स एक्ट और नोर द प्रेसिडेंट इमोलमेंट्स एंड पेंशन एक्ट स्पेसिफाई एग्जेम्प्ट द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टैक्सेशन। तो इससे ये चीज़ निकल के आई, इट अपीयर्स दैट प्रेसिडेंट डज पे टैक्स ऑन हिज इनकम, इससे ये चीज़ क्लियर है कि राष्ट्रपति अपनी सैलरी पर टैक्स देते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर होगी कि टैक्सेबल है, तो जो राष्ट्रपति ने बोला वो सही बात थी, और जो नॉर्मली चल रहा था मार्केट में कि भाई ऐसा नहीं है टैक्स फ्री होती है वो गलत है। बट मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि जो कोविंद साहब ने जो नेक्स्ट लाइन बोली कि 2.75 lakh rupees पर मंथ टैक्स, अब ये दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था कि आखिर इतना अप्रोक्स 60% टैक्स कैसे देते हैं वो, तो उसको देखते हैं। देखिए जो अभी हमारे पास न्यू टैक्स स्लैब है, अगर आप उसकी लास्ट लाइन पे जाएंगे तो उसमें मिलेगा आपको कि अबव 15 lakhs पर एनम अगर आप कमा रहे हैं तो आपको 30% देना है, और अब हम 5 lakhs राष्ट्रपति का पर मंथ है तो 60 lakhs हो गया हमारा मोटा मोटा, देखिए एक साल में। अब 60 lakh का अगर हम 30% भी निकालेंगे तो अप्रोक्स 18 lakh बैठेगा, मोटा मोटा मान लीजिए, इसमें एग्जैक्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर हम इसको 12 से डिवाइड कर दें तो ये मंथली निकल जाएगा अप्रोक्स, यानी 1.5 lakhs, यानी एक महीने में अप्रोक्स 1.5 lakh के आसपास वो टैक्स देते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति ने बोला वो था कि हम 2.75 lakh टैक्स देते हैं, यानी डबल इससे। तो अब दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट निकल के आई कि भैया 2.75 lakh पर मंथ का जो
ये आंकड़ा दिया, ये स्टेटिक्स दिया, ये कहाँ से निकल के आया? तो इसके पीछे एक लॉजिक ये हो सकता है कि जब आपको याद होगा कि कोविड के चलते हमारा डीए वगैरह ये सब फ्रीज किया गया था नॉर्मली सेंटर कर्मचारियों का, तो उस टाइम ये चीज़ थी कि राष्ट्रपति ने खुद बोला था कि भाई मैं अपने जो सैलरी है इतनी सैलरी की मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, जब देश में इतनी कंडीशन ख़राब चल रही है, तो मैं अपनी सैलरी का 30% कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, यानी ये बोल सकते हो कि आप गवर्नमेंट को देता हूँ। तो जब 30% वो हिस्सा गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है जो अप्रोक्स 1.5 लाख के आसपास बैठता है, तो 1.5 लाख तो वो हो गया और 1.5 लाख के आसपास अप्रोक्स आपका टैक्स हो गया। तो ये सारा मिला के अगर देखोगे तो 3 लाख के आसपास बैठ जाता है। यही लॉजिक शायद उन्होंने लगाया होगा, हालांकि मेन लाइन क्या थी वो तो हमारे प्रेजिडेंट साहब ही बता सकते हैं, बट मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अभी उनका जो पर मंथ जो डिडक्शन है वो अप्रोक्स 3.25 लाख के आसपास बैठ रहा है। तो जो भी लाइन वहाँ पे हमारे प्रेजिडेंट साहब ने बोली उसमें कोई चीज़ गलत नहीं थी, बिल्कुल सही था कि वो टैक्स देते हैं, और ये जो 2.75 लाख था इसका कॉन्सेप्ट ये था। तीसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक राष्ट्रपति जो है एक हमारे देश का नंबर वन पद है, तो उस पद की गरिमा भी हमें बनानी चाहिए। कहीं भी सिंपल मीम डाल के आप इस टाइप से या कोई भी इस टाइप की नेगेटिव न्यूज़ फैला के इस पद की गरिमा को ख़राब ना करें। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।